हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। यहाँ पीयूष बैठ के कर रहा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या, कलर दिखना चाहिए, फालतू काम में लग जाता है, कुछ अच्छा तो बनाता नहीं है। दोनों बैठ के लगा हुआ है। अभी शाम के लगभग 5, 4:30, 5 बज रहे हैं। बहुत दिन हो गया अलमारी साफ़ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ अलमारी साफ़ कर लेती हूँ। निकाल दिया है मैंने, अब इसमें साफ करके फिर सामान लगाऊंगी। देखिए पूरा अलमारी साफ कर लिया है, मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है, यही मेरा। देखिए पूरा अलमारी का सामान मैंने निकाल लिया है। यहाँ जो भी सामान अलमारी में था, यहाँ लक्की का बर्थडे में जो गिफ्ट आया था, वही गिफ्ट सब है। दिखाऊंगी मैं आपको सब गिफ्ट। मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, यही मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इसी में सामान रखती हूँ मैं। स्प्रे सब है, इसमें चूड़ी है, इसमें चूड़ी है, इसमें सामान है मेरा, इसमें भी सामान रेगुलर यूज का, सब चीज़ यहीं सजा के रखती हूँ। ऊपर यहाँ ये डाल के रखा हुआ मैंने, यही मेरा ड्रेसिंग है। अलमारी भी मैंने सरिया लिया है, पासूट से रख दिया है, ऊपर में सामान सरिया दिया। ये सब साड़ी है मेरा, जो कभी कभार मैं पहन लेती हूँ। इसमें सूट है, इसमें भी सूट है, और नीचे मैंने यहाँ रखा है। इसमें ब्लाउज साड़ी है, इसमें ब्लाउज है पेटीकोट, इसमें नया साड़ी रखा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो रखा हुआ है, इसमें बेडशीट समेट के रखा हुआ है। ये बच्चा का कपड़ा आधा समेट के रख दूँ, आधा आयरन करूँगी अभी मैं। यहाँ देखिए लक्की का बर्थडे गिफ्ट, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। अलमारी में सामान, आधा सामान मैंने लगा दिया है, मैं अलमारी को बाहर से पोछ देती हूँ। अब पोछने के बाद आयरन के कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए हैं। दो अलमारी है मेरे पास, एक अलमारी रूम में है, उसमें भी बच्चों का कपड़ा, उसके पापा का कपड़ा, उसमें भी रहता है आधा सामान। ज़्यादातर इसमें मेरा कपड़ा रहता है, बच्चों का तो थोड़ा बहुत है और उसमें है। अलमारी साफ करने के बाद आगे नाश्ता पानी थोड़ा करेंगे, 5 बज गया, चाय पानी पियेंगे। यहाँ पे उसके पापा भेलमुड़ी लेके आए थे, तो अभी हम लोग यहाँ भेलमुड़ी खाएंगे बैठ के। आप भी आइए, खा लीजिए हम लोग के साथ, चाय भी पीजिए, भेलमुड़ी खा लीजिए। टीवी भी देख रहे हैं सबको बैठ के, तीनों दादी पोता लाइन में लगा हुआ है। अभी आयरन करेंगे शाम में, बस खा पी के। अभी मैं कपड़ा आयरन करने के लिए बैठी हुई हूँ, तुरंत आके बैठी हूँ। जो कपड़ा बाहर निकला हुआ अलमारी से, अभी सब कपड़ा निकाली थी तो याद आ गया कि थोड़ा सा आयरन करके रख देती हूँ, ज़रूरत का जो भी कपड़ा है। बच्चा का भी निकाल ली हूँ, अपना भी एक दो थोड़ा सूट है वो कर ली हूँ। शाम हो गया है, काम और भी करना है। फिर लक्की का जो बर्थडे गिफ्ट बाहर निकाली, तो लक्की को हड़बड़ी लगा हुआ है कि मम्मी दिखा दो सबको मेरा बर्थडे गिफ्ट, तो दिखाऊँगी नहीं यही सोच रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है, लक्की का बर्थडे गए हुए हो गया एक महीना, अभी गिफ्ट दिखाना अच्छा नहीं लगता है। आधा गिफ्ट को लक्की ख़त्म भी कर दिया है, यूज में भी ले लिया है। आज जो रखा हुआ सो लक्की बोरा दिखाने के लिए है,
मेरा हमको अच्छा नहीं लग रहा दिखाना। एक महीना बाद कोई गिफ्ट दिखाता है, अब देखती हूँ लक्की की जिद के आगे दिखाना पड़ जाए तो दिखा दूंगी। अगर आपको लक्की का गिफ्ट दिखाने का अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि जैसा भी आपको लगे। अभी आयरन कर लेते हैं क्योंकि पहले आयरन करना ज़रूरी है, गिफ्ट तो बाद में दिखाएंगे। लाइट चला जाएगा, लाइट बहुत जल्दी जाता है। अभी अलमारी को भी लगाना है, अलमारी में आधा सामान लगाई हूँ आधा बाकी है। पूरा अलमारी लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अलमारी कैसा लगा है लगाने के बाद। एक महीना में एक बार तो अलमारी साफ करना ही रहता है। ठीक है, पहले आयरन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे गिफ्ट दिखाएंगे, आपको आपसे बात करेंगे, लक्की को भी बात करवाएंगे, लक्की से गिफ्ट दिखवा देंगे क्या गिफ्ट आया लक्की का। वे आयरन पूरा करके रख देते हैं पहले कपड़ा समेट के, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बाद में खाना पीना भी बनाना है, आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ऐसा यही काम है जो आयरन करना पसंद नहीं है मेरे को, सबसे मुश्किल काम लगता है आयरन करना। अब बहुत कम करती हूँ मैं, ज़रूरत हो गया तभी करती हूँ। घर का कपड़ा मैं बहुत कम करती हूँ, बिना आयरन के पहन लेती हूँ, पर बाहर जो पहनना रहता है वही ज़रूरी रहता है मेरा आयरन करना। कोई कोई कपड़ा ऐसा रहता है जो घर वाला में भी करना पड़ता है, वो रोज़ नहीं करती हूँ, एक बार दो तीन बार पहनने के बाद एक बार आयरन करती हूँ। ठीक है, कर लेते हैं आयरन, मिलेंगे अभी आपको गिफ्ट दिखाएंगे थोड़ी देर में, पहले आयरन करके रख देते हैं कपड़ा को। ठीक, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मैं बैठी हूँ, शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। पहले मैंने भी अलमारी साफ किया था, उसके बाद थोड़ा नाश्ता पानी चाय पानी हो गया, भेल मूढ़ी मंगवाए उसके पापा लेके आए थे, वही हम लोग खाए हैं बैठ के, चाय पिए हैं। अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद सोच रहे हैं अलमारी में सामान लगाना है, तो लक्की के जो बर्थडे में गिफ्ट सब आया था वो रखा हुआ था अलमारी के अंदर। अभी मैं अलमारी साफ़ करने के लिए बाहर निकाली तो लक्की बोल रहा है मम्मी दिखा दो सबको मेरा गिफ्ट जो भी मेरा आया है। आधा तो ये लोग यूज कर लिया है, आधा हम सोच रहे हैं दिखा देते हैं, जो भी है दिखा देते हैं आपको। देखिए खड़बड़ी लगा हुआ पूरा, छेड़छाड़ बीच में लगा हुआ इसका। ये इसकी बुआ जी दी है, जो भी बुआ जी दी है वो देख के समझ जाएगी। ये इसका दोस्त दिया है अंशु। ये इसकी रुचि जी दी है, घड़ी भी दी थी, घड़ी लोग पहन गया दोनों। और इसके साथ ये सब सामान दी है इसकी दीदी दी है, और ये इसकी बुआ जी दी है, ये इसकी दोस्त दी है जिसका नाम मैं याद नहीं कर रहा, ये भी इसकी दोस्त दी है, और ये इसके चाचा जी ला के दिए हैं, आधा गिफ्ट पूरा कर दिया है। ये चॉकलेट का डब्बा भी इसके अंकल दिए थे, रखो ना, छोड़ दो लकी बाबू, बाद में देख लेना, छोड़ दो मत छोड़। ये भी इसके अंकल ला के दिए हैं, चॉकलेट तो खूब सारा था, बस खा पी के सब ख़त्म कर दिया है। चॉकलेट खाने में सब बच्चा महान आगे रहता है। अभी सब गिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपको लकी का गिफ्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा आपको लकी का गिफ्ट कैसा लगा। अभी हम बैठ के यहाँ आपको गिफ्ट दिखा रहे हैं, लकी यहाँ बैठा हुआ, इसको हड़बड़ी लगा हुआ है कब सब गिफ्ट निकाल लिया, आधा तो ख़त्म कर दिया है, खूब सारा था गिफ्ट। अभी इस वीडियो का एंड तो कर देते हैं, कल मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग मी।